हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जीत कुमार और आज 31 जुलाई 2022 है, संडे का दिन है। तो मैंने सोचा कि कुछ गांव की यादें ताज़ा किया जाए और जो गांव का रेसिपी है उसको हम यूज करें। तो उसको पहले हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि ये बाहर मार्केट में उस तरह का मिलेगा नहीं। यहाँ तो आपको जहाँ पे भी आप जाओगे, है ना, बारबिक नेशन में जाओ वहाँ का खाना अलग है, पिज़्ज़ा डोमिनो पिज़्ज़ा हट जाओ वहाँ का खाना अलग है। तो बाहर से ये बन नहीं पाएगा। जो हम आज बनाने वाले हैं और बना के खाने वाले हैं वो बिल्कुल देसी आइटम है और उसको बोलते हैं लिट्टी चोखा। लिट्टी जिसमें सत्तू और गेहूँ का आटा मिला के बनाते हैं और चोखे के अंदर आप आलू का भी बना सकते हैं, उसमें आलू के साथ टमाटर भी डाल सकते हैं या फिर आप बैंगन का जैसे भरता बनाते हैं उस तरह से बैंगन को आप पका के उसमें बना सकते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं बिल्कुल टेस्टी देसी जैसा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम आ गए अब किचन और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने प्याज की कटिंग कर ली, मिर्च है हमारे पास और चोखे के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने आलू ले लिया 3, टमाटर 3 और बैंगन 3। एक टमाटर में ऐड कर दूंगा इसमें। इसके बाद हमारे पास है रोस्टर ग्रिल जहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे और ये रोस्टर ग्रिल आपको स्टोव पे डालना है, स्टोव को जलाइए। जलाने के बाद इसके ऊपर ये सारा चीज़ें जो हमारे पास हैं चोखा बनाने के लिए वो सब इस ग्रिल के ऊपर डालना है आपको। लेकिन सबसे पहले इस पर हम आलू डालते हैं क्योंकि बाकी जो आइटम है उसके ऊपर कुछ अलग तरीके से हमें डालना है, उसको कुछ और ट्रीटमेंट करना है उसमें। तो आप देख सकते हैं हमने आलू डाल दिया, टमाटर भी डाल दिया, गैस को जला दिया हमने। अब इसके बाद जो है बाड़ी आएंगी बैंगन की। तो बैंगन में एक्चुअली हम लोग कुछ मिर्च और उसका लहसुन का छीलने के बाद उसमें डालेंगे। तो ये हमने आप इसके ऊपर से हॉरिजेंटल इसको काट दिया हमने और 3 बार ही फाड़ना है आपको। चौथा करोगे तो आप ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। 3 बार फाड़ने के बाद इसमें आप लहसुन भर सकते हैं, मिर्च अगर छोटी छोटी है हरी मिर्च तो इसमें डाल दीजिए। ये सब करने से आपको ज़्यादा टेस्ट मिलेगा क्योंकि आपको पता ही है कि ढाबा का जो खाना है वो ज़्यादा टेस्टी होता है 5-स्टार होटल से। जला पका के खाने में जो टेस्ट है वो बिल्कुल आपको, है ना, उबालने वाला जो खाना आता है, जो उबाला हुआ खाना उसमें नहीं आता है। यही सब रीज़न है इसका, इसलिए हम ये सारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि इसको पकाने के साथ के साथ हमारा लहसुन भी पक जाएगा और हमारा मिर्च भी पक जाएगा। तो हमने ऑलमोस्ट इसमें डाल दिया तीनों के अंदर और हम इसको रोस्टर ग्रिल के ऊपर डाल देते हैं और हम इसका इंतज़ार करेंगे कि ये अच्छी तरह से पक जाए। इसको आपको बार बार रोटेट करना पड़ेगा, घुमाना पड़ेगा। तो ये चीज़ जो है आप देख लीजिए, अच्छी तरह से इसको पकाना है और साइड बाय साइड जो है आप अलग काम कर सकते हैं, लाइक कि आपको ये प्याज को कटिंग करके रखना है, नींबू को कटिंग करके रखना है, वो सारी चीज़ें आपको जो है साइड बाय साइड जो चौखा में डलेगा वो आपको रेडी करके रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमारा आधा जल चुका है, इट्स नॉट जलिंग बट ये पक चुका है हमारा। आप इसको उल्टाते रहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आलू है हमारा ऑलमोस्ट वो जितना पकना था यहाँ पे पक गया। अब उसको पूरा अंदर का जो पार्ट होता है अंदर वाला उसको पकाने के लिए हम इसे कुकर में डाल दिया, आधा गिलास पानी डाल के कुकर को बंद करके 2 सीटी लगा देना है ताकि आलू अच्छी तरह से पक जाए। बाकी टमाटर जो है और बैंगन जो है वो तो ऑटोमेटिक वहीं पे जो है अच्छी तरह से पक जाएगा ग्रिल के ऊपर ही, बट जो आलू है वो हार्ड होता है, बाहर का साइड हम वहाँ से पका दिया हमने और अंदर का साइड यहाँ से। अब हमारी बारी आ गई जो लिट्टी बनाने की। उसमें हमने सत्तू लिया, ये राजधानी बेसन है, नॉट बेसन, ये सत्तू है हमारा। और इस सत्तू को 100 ग्राम सत्तू को हम इस कटोरी के अंदर डालेंगे, फिर उसके अंदर बाकी स्पाइसेस डाल के और अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो चलिए हम इसका 100 ग्राम के लमसम इसमें डाल देते हैं सत्तू, क्योंकि यहाँ पे गाँव का सत्तू मिलेगा नहीं आपको, ये मेट्रो सिटी है यहाँ पे गाँव का सत्तू अवेलेबल नहीं होता है जनरली, तो हमने ये मॉल वाला सत्तू यूज कर लिया। टेस्ट ऑलमोस्ट सेम आएगा। तो हमने लगभग 100 ग्राम ले लिया। अब इसके अंदर जो है बाकी चीज़ें आपको डालना है, जैसे कि इसमें जो मिर्च का टुकड़े हैं छोटे छोटे वो डालने हैं आपको, लहसुन का जो टुकड़ा है वो डालना है आपको, अदरक का टुकड़ा है वो डालना है आपको। उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें मिलाने के लिए और भी चीज़ें हैं, अदरक डाल दिया, मिर्च डाल दिया हमने, लहसुन डाल दिया, आपको अजवाइन थोड़े से डालने हैं 1 चम्मच के आसपास तथा उसमें मिक्स अचार के जो घर में मिक्स अचार होता है वो स्वाद अनुसार इसमें डाल दीजिए, नमक भी स्वाद अनुसार डाल दीजिए, चाट मसाला अगर आपके पास है तो और बेहतर है, उसको डाल
डाल दीजिए और नींबू आधा काट के उसमें डाल दीजिए सब्जी के अंदर। ये सब डालने के बाद आपको अच्छी तरह से इसे मिलाना है। अब इसको मिक्स करते रहना है आपको जो अच्छी तरह से मिल जाए ये, क्योंकि ये हमें फीड करने पड़ेंगे जब आटा का जो है गेहूं का आटा, उसका जब हम लिट्टी के लिए आउटर साइड बनाएंगे तो उसमें ये फीड करने के लिए हमें रेडी करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप देख सकते हैं ये हमारा नमक जो है ऑलमोस्ट हमने इसमें डाल ही दिया है। मैं मेक श्योर कर लेता हूँ कि कुछ छूटा ना हो, इसको अच्छी तरह से मैं मिला देता हूँ। अब देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट हमारा रेडी है फीड करने के लिए, जो लिट्टी के अंदर फीड करना है टेस्ट को बनाने के लिए। अजवाइन है, अजवाइन डाल दिया मैंने। ये चाट मसाला है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप स्वाद अनुसार इसको डाल सकते हैं इसके अंदर। फिर इसको अच्छी तरह मिला लें, जितना ज्यादा मिलाएंगे उतना सही रहेगा, क्योंकि अगर एक जगह ज्यादा लग गया एक जगह कम लग गया तो दिक्कत होगी, कहीं पे नमकीन लगेगा, है ना। अब आपको लेना है 200 ग्राम के आसपास गेहूं का आटा, और फिर उसमें आपको पानी डालना है और उसको मिक्स करना है जैसे हम रोटी बनाते हैं उस तरह से। अब और भी अगर आपको टेस्टी बनाना है तो इसमें आप थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं, और ये जो घी है हमने वो भी मिला दिया। नमक भी डाल दिया, घी भी मिला दिया। अब पानी डाल के हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, जैसे हम रोटी तैयार करते हैं इससे उसी तरह से इसको रेडी करना है। पानी एक बार पूरा ना डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें, इससे क्या होगा कि गीला नहीं होगा, ये नॉर्मल रखना है जितने में हम इसको एक शेप दे सकें। ऑलमोस्ट हम इसको प्रॉपर मिक्स करने का सोच रहे हैं, जैसे ही प्रॉपर मिक्स हो जाएगा तो फिर इसकी हम छोटे छोटे गोला बनाएंगे, और गोला बनाने के बाद आप इसको चपटा कर देंगे उस गोला को, और फिर उसके अंदर हमने जो सत्तू रेडी किया है वो हमारा टेस्टी सत्तू उसके अंदर चला जाएगा। फिर उस सत्तू को हम बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद जो है हम उसको फिर रोस्टर ग्रिल पे डाल देंगे। देखते हैं, कोशिश करते हैं जितना जल्दी ये रेडी हो जाए, ऑलमोस्ट डन है। इसके आप पीसेस बना सकते हैं। दो निकाल दिया हमने, चार हो गया रेडी, ऑलमोस्ट पांच हमारा निकल जाएगा इससे। अब छोटा बड़ा गोला ना बने इसलिए आपको मेक श्योर करना है कि अगर जिसमें ज्यादा आटा चला गया उसको आपको उसमें से लेकर दूसरे में डालना है, बिल्कुल सबको बराबर करके मटेरियल। फिर उसके बाद आपको गोल करना है, गोल करने के बाद हम इसको फिर चपटा करेंगे और फिर इसमें फिट करेंगे हमारा सब्जी। ऑलमोस्ट हमने बना लिया गोला सारा, तो इसे रेडी कर रहे हैं चपटा करके, क्योंकि इसमें हमें फिट करना है सत्तू। सत्तू को इक्वली लमसम आइडिया से हम डिवाइड कर लेते हैं इतना कि सब में बराबर बराबर चला, और प्रॉपर बंद भी होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा दे दोगे तो ये बंद नहीं होगा, और बहुत कम डालोगे तो फिर इसमें टेस्ट नहीं आएगा। तो मेक श्योर कि आपको इतना डालना है कि ये प्रॉपर बंद हो जाए, और फिर इसको हम राउंड करेंगे। हमने इसका गोला
रिपीट करना है ये सेम चीज बचे हुए चार के लिए। रेडी हो गया गोला हमारा रेडी हो गया। अब आपको रोस्टर ग्रिल पे डालने हैं इस गोले को, बिल्कुल लो करके रखना है आपको फ्लेम को, नहीं तो ये चल जाएगा बाहर का और अंदर से पकेगा। बिल्कुल फ्लेम को आपको लो करके रखना है और फिर इस सबको डाल सकते हैं आप। पांच ही है तो ये आसानी से इस पे हम रख सकते हैं पांच को। और बार बार इसको आपको घुमाते रहना है चारों साइड से, बराबर पकना चाहिए। और आप देख सकते हैं फ्लेम लो है तो जलेगा नहीं। दूसरा जो आपका साइड बाय साइड रेडी करना है चोखा के लिए, इसमें बैगन का छिलका हटा दीजिए, इसमें हमने हटा दिया है और टमाटर का भी हटा दिया। उसके बाद आलू का भी हटाना है और वो सब हटाने के बाद हम इसको मिक्स कर देंगे प्रॉपर। ये ज़्यादा फैंसी में हम नहीं बना रहे हैं क्योंकि जैसा गांव में बनता है ऑलमोस्ट हम उसी तरह से बना रहे हैं, क्योंकि जो जला हुआ चीज़ों से जो टेस्ट आता है वो अगर आप उबाल के करेंगे तो उसमें वैसा मिलेगा नहीं टेस्ट आपको। ऑलमोस्ट हम सिमिलर बना रहे हैं जो गांव का स्वाद आए इसमें टेस्ट आए। तो सबको मिक्स करने के बाद आप में इसमें स्वाद अनुसार आप जो लहसुन है वो डाल सकते हैं, प्याज है वो डाल सकते हैं, मिर्च हरी मिर्च जितना आपको तीखा पसंद है उस हिसाब से आप डाल सकते हैं इसमें। फिर नमक स्वाद अनुसार आप डाल दीजिए। उसके बाद आधा नींबू कट करके बीज निकाल के और फिर इसमें आप उसका रस डाल दीजिए, निचोड़ दीजिए। ये सब होने के बाद इसको आप मिक्स कर लीजिए। आपके पास अगर धनिया है तो वो सब भी इसमें डाल सकते हैं। हमने इसमें हरी मिर्च डाला, ज्यादा नहीं डाला क्योंकि हमें तीखा ज्यादा तीखा पसंद नहीं है। तो इसको आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कुछ मिस ना हो इसलिए हमने साइड बाय साइड आपको ऊपर में लिख के भी इसने दे दिया हूँ कि कितना क्या मिक्स करना है, क्या क्या आइटम। अब हमारा जो लिट्टी है रोस्टर ग्रिल पे पक के तैयार है और इसके ऊपर हम देसी घी जो है देसी गाय का घी अब उसका लेप लगा देते हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये बहुत गर्म है तो ये अपने आप ही मिल जाएगा पूरा चारों साइड इसका लग जाएगा। नहीं अगर लग रहा है तो कटोरी या प्लेट में जिसमें भी हो उसमें आपको हल्का सा घुमा दीजिए ताकि चारों साइड ये प्रॉपर मिल जाए। याद रहे कि ये देसी घी यूज करना है, डलडा वगैरह यूज नहीं करना है क्योंकि अपने तो टेस्ट भी करते हैं इसका। इस तरह से घुमाने से क्या होगा कि चारों साइड जो है प्रॉपर उसका लेयर आ जाएगा। अब लिट्टी हमारा रेडी है आप देख सकते हैं और चोखा भी ऑलमोस्ट हमारा डन। इसमें अलग से अगर आपको कुछ और ऐड करना है लाइक अगर आपको प्याज पसंद है जैसे सलाद टाइप का तो आप कटिंग करके रख सकते हैं, वो आप खाने में यूज कर सकते हैं। हरी मिर्च अगर आपको और चाहिए थोड़ा और तीखा आपको पसंद है तो आप हरी मिर्च को ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल हमने इसको अंदर से देख लिया, बिल्कुल पक गया, सब कुछ सही है, रेडी है। तो दोस्तों ये हमारा तैयार हो गया देसी रेसिपी लिट्टी चोखा। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा तो हम इस तरह के और जो है यूनिक रेसिपी आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।